ये तो अभी गंगा जी नहीं रहने के कारण थोड़ा सा घाट अभी सुना साना हो गया था बीच में, लेकिन लगता है कि फिर रौनक आ रही है। बहुत भीड़ लगता था, मेला लगता था, यहाँ बहुत सारी बातें थी। इसमें कलकट्टी घाट बहुत जगह हुआ था उस समय, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा अभी दयनीय स्थिति गंगा के कारण तो लोगों का आवागमन रुक गया है। लेकिन जो ये सब बन रहा है, ये सब बनने के बाद लगता है कि फिर रौनक यहाँ आ जाएगी। यहाँ काली माँ का मूर्ति है, हनुमान जी का मूर्ति है, गंगा माई की मूर्ति है, श्री कल्की भगवान का मूर्ति है, माता वैष्णो देवी हैं, हनुमान जी हैं, जो मन्नत मानते हैं यहाँ से उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं। तो यहाँ गया, बक्सर, आरा है ना, इन्हें मुजफ्फरपुर, इन्हें बेगूसराय, इन तमाम जगह के लोग जब यहाँ आते थे तो घाट पर आते थे दर्शन करने के लिए। पुराना मंदिर सब है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदिकाल से है। धर्मशाला हम लोग चाहते हैं कि ऊपर एक बने, जो लोग बाहर से आए, पर्यटक लोग आए तो यहाँ रुके, उसकी सब सुविधा यहाँ संपन्न व्यवस्था हो, है ना, इसमें प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। जब राम जी यहाँ से त्रेता में जब जाने लगे तो हनुमान जी को अयोध्या का राजा बना के गए कि मैं कलयुग में जब कल्कि अवतार लूंगा तब तुम फिर मेरे साथ हो जाओगे, तब तक तुम मेरे भक्तों का कल्याण करो, तुम मेरे घर में ही विराजो। हनुमान जी सब काम जब करके आए, जब बैकुंठ जाने की तैयारी थी, राम जी कहे कि हनुमान अब यहाँ का सब काम संपन्न हो गया है, अब चलो मेरे साथ बैकुंठ। तो हनुमान जी कहे प्रभु एक शर्त है मेरा, तो वहाँ राम आपकी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान कहे वहाँ कथा तो नहीं मिलेगी, वहाँ मैं तुमको स्वयं मिलूंगा। प्रभु आप तो मेरे हृदय में रहते हो, फिर वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। तब राम जी पर गए संकोच में कि सबको तो हम सब राजा बना दिए, हनुमान जी को तो हम कुछ दिए नहीं, इसको तो अपने साथ लेकर चलने की तैयारी में थे, और वो भी नकार दिया ही, अब इसको क्या करे। तो कहे कि मैं तुमको अपने घर का ही मालिक बना देता हूँ, और तुम तब तक यहीं पूजा लो, भक्तों का कल्याण करो। तो आज भी हनुमान गढ़ी अयोध्या में हनुमान जी विराजे हुए हैं, और उनकी कृपा से ही राम जी का शिलान्यास हुआ है, बहुत सारे दर्शन करने को चीज मिल रहा है, और वर्तमान में वही राम जी अब कल्कि रूप में आने वाले हैं। जो होना है यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारा वेद पुराण शास्त्र ही बेस है, आधार रहा है भारतीय दर्शन के अंतर्गत, और उस बेस में हम बैठे हुए हैं, तो वह दिखाई दे रहा है। भक्त लोग आते हैं, भक्त लोगों के सहयोग से मंदिर चलता है, अनुष्ठान होता है, इससे चलता है, जिसको श्रद्धा होती है अपना श्रद्धा समर्पित करते हैं, इस सबसे साधु की सेवा होती रहती है।